Hi guys, so how are you? I hope you are very fine. So now I will start your. This is the today's the third class of number system of class 9. So everyone listen carefully. So हम लोग पिछले क्लास में previous क्लास में जो कुछ सिखा दिए थे उससे हम आगे कुछ करेंगे. हम पिछले क्लास में आप लोगों को क्लास 9 वो जो था रेशनल नंबर इंटीजर्स ये सब के बारे में देख चुके थे. टू रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रियल नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रिप्रेजेंट कर चुके थे. बट आप जो हमें कोई भी टू रेशनल नंबर गिवन रहेगा उसके बीच में 1, 2, 3 हमें रेशनल नंबर फाइंड करना. तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मेथड जो देखते हैं उससे दो रेशनल नंबर के बीच में 1 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए तो हमारे पास एक फॉर्मूला जो रहेगा उस फॉर्मूला को यूज करेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे. देखिए जैसे सपोज टू रेशनल नंबर्स एक्स एंड वाई आर गिवन है देन फाइंड 1 रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर. दो रेशनल नंबर दिया हुआ रहेगा उसके बीच में 2 रेशनल नंबर मेरे पास क्या है एक्स और वाई. ये दोनों के बीच में हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना है जो एक्स और वाई के बीच में लाइक है. तो रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला होगा 1/2 × x + y. ये एक्स और वाई रेशनल एक्स और वाई को ये दोनों रेशनल नंबर के बीच में ये 1/2 × x + y रेशनल नंबर लाइक करेगा. तो जैसे हम ये एक एग्जांपल है एग्जांपल क्या फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2. तो हम क्या किए वेट कर लिए जैसे अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इस मेथड के अकॉर्डिंग एक्स इज इक्वल टू 1/3 पुट किए एंड वाई इज इक्वल टू 1/2 देन रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 1/2 × x + y होता है. तो मेरे पास ये 1/2 × x + y एक्स का वैल्यू यहां पुट किए थे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/3 एंड y का वैल्यू 1/2. तो यहाँ पे पूछ रहे हैं 1/2 × 1/3 + 1/2. अब आप लोगों को पता है कि इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए बोर्ड मास यूज करेंगे. बोर्ड मास में फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट यूज करेंगे ब्रैकेट में ऐड है तो ऐड करेंगे और ये रेशनल नंबर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर है. तो हम क्या किए 2 और 3 का एलसीएम ये तो मेरा 6 हो गया. तो ये 2 + 3 ये आप लोग बेसक 2, 3 या 4 क्लास से ही करते आ रहे हैं तो ये सब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. 2 + 3 क्या होगा 5/6 और उसके बाद 1/2 था मल्टीपल में तो ये नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ करेंगे तो 1 × 5 5 हो जाएगा और 2 × 6 6 × 12 हो गया. तो ये 5/12 आंसर हो गया. मतलब ये दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर ये मेरे पास फाइंड हो गया. तो आप लोगों को अगर कोई भी टू रेशनल नंबर गिवन हो 1 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोलेगा तो मेथड 1 देख लिए थे. अगर 2 रेशनल नंबर गिवन हो तो हम 1 रेशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं. बट अब हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि अगर 2 रेशनल नंबर गिवन हो और 2 रेशनल नंबर गिवन हो उसके बाद मोर देन 1 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो हमें एक से ज्यादा फाइंड करना है और उसके साथ हमें यही कंडीशन होना चाहिए कि उसका डिनोमिनेटर जो पार्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए. जैसे मेरे पास ये देखिए सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एन रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स एक्स एंड वाई विद लाइक डिनोमिनेटर. उसका जो डिनोमिनेटर है वो लाइक डिनोमिनेटर है एक ही जैसा है. जैसे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो आप लोग इधर ध्यान दीजिएगा. सो फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5. अभी देखिए यहाँ पे n प्लस 1 लिखे हैं तो n प्लस 1 हम क्यों लिखे उसका यूज यहाँ पे लिखे. तो यहाँ पे हमें कितना फाइंड करना है 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है. हमें 2 रेशनल नंबर दिए हैं 3/5 एंड 4/5 और 3/5 और 4/5 पे देखिए ये 5 और 5 ये दोनों जो रेशनल नंबर है ये दोनों रेशनल नंबर लाइक रेशनल इसका डिनोमिनेटर वो लाइक है लाइक डिनोमिनेटर मतलब इसमें 5 है ये भी 5 है. तो इस टाइप से हो सकता है एक वैसा भी क्वेश्चन आएगा अगर 2 रेशनल नंबर गिवन हो तो दोनों का ये डिनोमिनेटर जो पार्ट होगा डिफरेंट होगा अनलाइक रेशनल नंबर होगा. तो अनलाइक उसको फ्रैक्शन आप लोग देखेंगे लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन. तो यहाँ पे रेशनल नंबर देखना तो रेशनल नंबर में अनलाइक डिनोमिनेटर रहेगा तो वो भी देखेंगे बट अभी हमें लाइक डिनोमिनेटर रहेगा उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए कितना फाइंड कर रहे हैं 5 फाइंड कर रहे हैं. n का वैल्यू कितना हो गया 5 होता है. अब ये n प्लस 1 ये जो लिखे थे वही अप्लाई करेंगे n प्लस 1 n प्लस 1 करेंगे तो ये 5 जो था इनका वैल्यू 5 और n प्लस 1 तो कितना हो गया 6 हो गया. अब मेरे पास क्या था फर्स्ट जो रेशनल नंबर था 3/5 3/5 लेंगे. अब ये मेरे पास 6 रहा था तो ये 3/5 को 6 और 6 नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो
18 और 5 6 30। फिर सेकेंड जो मेरे पास रेशियो नंबर था वो 4/5। ये 4/5 लिखे, अभी 4/5 और फिर इसके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, जैसे इसके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर ये जो 6 था इससे मल्टीप्लाई किए थे, सेम कंडीशन ये 6 है इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये क्या होगा, 6 और 6 से 4 6 24 एंड 5 6 30। Then clear पे गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 18/30 हो गया और ये 24/30। इसके बीच में मेरे पास क्या आएगा, 18/30 के बाद 19/30 आएगा, उसके बाद 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, उसके बाद 24/30। तो ये 18/30 जो था ये था मेरा और ये 24/30 ये था। इसके बीच में ये जो मेरे पास 1 2 3 4 5 नंबर आ गए, यही मेरा आंसर होगा। मतलब ये 3/5 एंड 4/5 के बीच में ये सब मेरा रेशनल नंबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 19/30, 20/30 और 21/30, 22/30, 23/30 आर रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सेम कंडीशन आप लोग अगर ये इस टाइप से जैसे इसका भी लाइक डिनोमिनेटर था वैसे सेम कंडीशन आप लोग इस टाइप पे भी कर सकते। जैसे आप लोग के पास 3 एंड 4 के पास बोल दिया, बोलेगा फाइंड रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर बोलेगा, 4 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, 4 रेशनल नंबर और 3 और 4 के बीच में, या बोल देगा 5 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए 3 और 4 के बीच में। तो आप लोग यहां पे n का वैल्यू कितना दोगे, 5 दोगे, n + 1 मेरा कितना हो जाएगा, 5 + 1 ये 6 हो जाएगा। अब यहां पे 3 और 4 रेशनल नंबर है तो बोलोगे यहां पे सर इसका तो 3 और ये 4, तो इसका डिनोमिनेटर सेम है क्योंकि कुछ नहीं है, तो 1 पुट करेंगे और 1 पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी क्या करेंगे 6 से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरा हो जाएगा 3 6 18/6 और ये मेरा हो जाएगा 6 4 24/6 और उसके बाद ये क्या हो जाएगा 18 के बाद 19 20 21 ये तक जो भी नंबर आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा इस ये 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर। तो आप लोग ऐसे करके और रेशनल नंबर ये दोनों के बीच में कोई भी नंबर जिसका लाइक डिनोमिनेटर हो सेम डिनोमिनेटर हो उसमें ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं। कहते दो रेशनल नंबर के बीच में अगर 2 3 4 5 कितने के रेशनल नंबर में फाइंड करना हो तो उसके लिए आप जिसमें लाइक डिनोमिनेटर हो तो उसके लिए आप फाइंड कर चुके, लेकिन अब जो करेंगे सेम कंडीशन वैसा ही आएगा, मतलब 2 रेशनल नंबर के लिए देंगे और उसके बीच में 2 3 4 5 रेशनल नंबर फाइंड करना होगा और फाइंड करना होगा। इसमें वो दो रेशनल नंबर जो गिने गए थे वो दोनों का डिनोमिनेटर जो होगा वो अलाइक होगा, सेम नहीं होगा। जैसे इसमें दे रखा है क्या, सपोज यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड इन रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स एक्स एंड वाई दोस विद अलाइक डिनोमिनेटर, इसका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अलाइक होगा। तो यहाँ पे इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले जैसे मेरे पास x और y दो रेशनल नंबर है तो इसको चूज करना होगा कौन सा वैल्यू ग्रेटर है कौन सा वैल्यू लेस है। कंसीडर करते हैं कि x लेस देन क्या है, x स्क्वायर लेस है और y स्क्वायर क्या है, ग्रेटर है रेशनल नंबर, वो आप जैसे मेरे पास आएगा रेशनल नंबर वैसे फाइंड करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए b स्क्वायर को हमें अप्लाई करना है y माइनस x बाय n प्लस 1, n जो होगा मेरा जितना रेशनल नंबर फाइंड करना होगा उसे 1 उसमें 1 और क्या करना है ऐड करना है। उसके बाद ये x और y को दो रेशनल नंबर था, ये दोनों के बीच में जो रेशनल नंबर निकालना है जैसे हमें 5 निकालना है 4 निकालना है तब निकालना है, जितना जितना बोलेगा वैल्यू फाइंड करेंगे उतना फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू मेरे पास गिवन रहेगा, उसके बाद b का वैल्यू यहां से आ जाएगा सिंपलीफाई करने के बाद, उसके बाद हम करेंगे x प्लस बी एक्स प्लस टू बी एक्स प्लस थ्री बी ऐसे करके n तक, मतलब जितना हमें बोलेगा फाइंड करने के लिए उतना फाइंड करेंगे। तो अब और इससे इजी क्वेश्चन होगा कि हम ये एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं, इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड 3/4। मेरे पास 2 रेशनल नंबर दिए हैं -2/3 एंड 3/4। तो देखिए लेट कर लिया x इक्वल टू -2/3 एंड y इक्वल टू 3/4, तो इसमें देखिए -2/3 और 3/4 तो इसमें चूज करेंगे कौन सा मेरा ग्रेटर रेशनल नंबर है। तो ऑलरेडी आप लोग देख चुके कि ये जो नेगेटिव वैल्यू है तो ये नेगेटिव वैल्यू है तो ये मेरा क्या होगा, नेगेटिव तो होगा ही, तो नेगेटिव होगा तो ये मेरा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ये x का
सॉरी ये ग्रेटर वैल्यू होगी, ये लेस वैल्यू हो गया, ग्रेटर वैल्यू होगी क्योंकि ये नेगेटिव होने के कारण ये लेस वैल्यू होगी। अब यहाँ से डी हमें फाइंड करेंगे तो बीच का फॉर्मूला बताए थे ग्रेटर वाला डेसिमल नंबर माइनस लेस वाला डेसिमल, तो ग्रेटर डेसिमल नंबर मेरा वाई आ रहा है इसमें वाई और माइनस एक्स बाय एन प्लस वन, तो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू क्या है डेसिमल ग्रेटर डेसिमल नंबर 3/4 माइनस और फिर ये देखिए माइनस 2/3 है तो ये माइनस 2/3। अब यहाँ पे 3/4 प्लस 2/3 कर दिए, ये दोनों का एलसीएम निकालिए, एलसीएम करने के बाद मेरा ये जो आया ये डी का वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू आ गया तो ये दोनों रेशनल नंबर के बीच में यानी माइनस 2/3 और 3/4 के बीच में जो रेशनल नंबर होगा एक्स प्लस बी हो जाएगा, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 भी एक्स प्लस 4 भी एक्स प्लस 5 भी, क्योंकि आपने इसमें कितना फाइंड करना है 5 करना है तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब यहाँ पे x का वैल्यू माइनस 2/3, d का जो वैल्यू मेरा है 72 आ गया और फिर उसके बाद माइनस 2/3 प्लस ये 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 17 में तो 2 72 34/8 फिर 3 से कर दिए 4 से और 5 से, तो ये जो फिर इसका सिंपलीफाई कर देंगे और सिंपलीफाई करके सॉल्व कर देंगे वो में। सो गाइस अब देखिए मेरा जो जो भी था 3 मेथड 3 बता दिए फाइंड करने के लिए, हमें 2 रेशनल नंबर के बीच में अगर 1 रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो देखिए यहां पे क्वेश्चन दिया 5 रेशनल नंबर बिटवीन, तो ये दोनों के बीच में 1 ही रेशनल नंबर फाइंड करना तो वो 1/2 × x + y करके और फाइंड कर सकते हो, वो फॉर्मूले से मेथड 1 अप्लाई कर सकते। फिर यहां पे दे रखा है फाइंड किए रेशनल नंबर जिसमें डी लाइक डिनोमिनेटर, तो लाइक डिनोमिनेटर के लिए हम मेथड 2 अप्लाई किए थे तो वो मेथड 2 अप्लाई करते हैं जिसमें लाइक डिनोमिनेटर ना हो, तो उसके लिए भी हम क्या अनलाइक डिनोमिनेटर हो उसके लिए भी मेथड 3 बताए, तो इससे आप लोग क्या करोगे ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और इससे अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो ये वीडियो तो फिर आप रिपीट करके ये वीडियो को देख सकते हो और देखने के बाद आप लोग ये जितना भी क्वेश्चन है बहुत इजी है, अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने के साथ साथ आप लोग किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग तो जरूर कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग ये सब नहीं कीजिएगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा आप लोग इसका प्रॉफिट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो इसी के साथ हम आप लोगों का ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ मतलब नेक्स्ट आप लोगों का क्लास के साथ। सो नाउ थैंक्स एवरीवन।